बिहार से जम्मू कश्मीर की दूरी वैसे तो 1300 किलोमीटर है, लेकिन इतनी दूरी के बाद भी बिहार और कश्मीर के बीच एक तगड़ा कनेक्शन है। क्या आपको पता है कि बिहार से क्या है कश्मीर का कनेक्शन? क्या आपको पता है नालंदा के बेशवक गांव से कश्मीर का क्या है सीधा नाता? आप भी सोचने लगे ना, चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है बिहार और कश्मीर का सीधा कनेक्शन। दरअसल कश्मीर पर हुकूमत कर चुके आखिरी मुसलमान सुल्तान यूसुफ शाह चक की कब्र पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर नालंदा के बेशवक गांव में मौजूद है। इन तस्वीरों में आप जिस बदरंग हो चुके कब्र को देख रहे हैं वो उसी सुल्तान की कब्र है। अब इस कब्र के आसपास हरी घास उगाई है। अब सबसे पहला सवाल कि आखिर कश्मीर से ये सुल्तान बिहार कैसे आया? यूसुफ शाचक आखिर किस हालत में बिहार पहुंचे थे? दरअसल ये वाक्या है मुगलों के कश्मीर पहुंचने से पहले का। तब कश्मीर एक रियासत हुआ करती थी और यूसुफ शाचक उसके आखिरी सुल्तान थे। आपको बता दें कि 1578 ईस्वी से 1586 ईस्वी तक कश्मीर पर हुकूमत करने वाले यूसुफ शाह चकवंश के शासक थे। इस दौरान कश्मीर पर अकबर की नजर थी और कश्मीर पर लगातार अकबर के लोग हमला कर रहे थे। इसी कड़ी में राजा मान सिंह ने दोनों के बीच संधि की पहल की। ये पहल किसी कारण नहीं हो पाई और फिर साल 1586 को मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें कैद कर लिया और 30 महीने तक कैद में रखा। इसका इतिहास तो मुगल कालीन इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। इस जगह पे जो आप खड़े हुए हैं, यहाँ कश्मीर का अंतिम स्वतंत्र शासक सुल्तान यूसुफ शाह चक, जो चक वंश का शासक था, जो अकबर से संधि करने आगरा आया था, वो यहाँ उसके परिवार उसके बच्चे यहाँ दफन है। ये जो जगह थी ना, ये अकबर काल में कलेक्टेरिएट थी, इसको परगना कहते हैं। पहले ये इंटायर बंगाल उड़ीसा झारखंड सब एक था और ये बंगाल प्रांत के अधीन का बिस्मक परगना है। तो आपको मालूम होगा या इतिहासकारों को ये मालूम है या किताबों के पन्ने में ये दर्ज है कि अकबर जो है कश्मीर पे आक्रमण करना चाह रहे थे, कश्मीर पर अपनी सत्ता जमाना चाह रहे थे। उन्होंने अपने दो टुकड़ियों के साथ कश्मीर पर, पूर्व में भी मुगलों ने आक्रमण किया है, वो उसको अपने में मर्ज करना चाह रहे थे। चूँकि ये लोग भी बहुत ताकतवर शक्तिशाली लोग थे तो इन्होंने उसको वहाँ पर एडजस्ट होने नहीं दिया। लास्ट में राजा भगवान दास ने एक एग्रीमेंट साइन करवाया कि एक अकबर महान शासक है, इतना बड़ा शासक है, अगर वो यहाँ कश्मीर पर आएगा, खुद पूरी ताकत से आक्रमण करेगा तो फिर कश्मीर बर्बाद हो जाएगा। यूसुफ शाह चक जो ये बादशाह लेटे हुआ है, ये काफ़ी पढ़ा लिखा चक वंश का सबसे सिंगल बादशाह है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। इसको संगीत से, कला से, प्राकृति की चीज़ों से बहुत ही प्रेम था। तो इसको ये बात समझ में आ गई कि अकबर महान के सामने हम ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये 7 अप्रैल 1586 ईस्वी को, उस समय अकबर की राजधानी आगरा थी, ये आगरा आए थे उससे संधि करने। किसी कारणवश संधि ना हो सकी और अकबर ने इनको यहाँ एग्जाइल कर दिया, बंदी बना दिया। यहाँ एक मठ फोर्ट था, चूँकि यहाँ कलेक्टेरिएट था, परगना था ये पहले से। उसके बाद अकबर से कुछ सालों के बाद मानसिंह ने फिर मध्यस्थता की और यूसुफ शाह चक को अकबर की कैद से रिहा करवाया, नालंदा के बेशवक गांव भेज दिया और कुछ सालों तक अकबर के लिए जंग लड़ते हुए कश्मीर के आखिरी सुल्तान की सितंबर 1592 में मौत हो गई। उनकी कब्र के साथ साथ उनके बेटे और पत्नी की कब्र भी वहीं मौजूद है। इनको अकबर ने मान सिंह के ही अनुरोध पे रिलीज किया, क्योंकि एक राजा थे कि इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। तो अकबर ने बोला मैं इनको रिलीज तो अभ्यस्त कर दूंगा, लेकिन ये कश्मीर वापस नहीं जाएंगे, वहाँ मुगलों की सेना होगी, मुगलों का झंडा होगा। तो राजा ने भी अपनी शक्ति और अपने उम्र को देखते हुए अकबर की सेना में सम्मिलित होना बढ़िया समझा और इसी तरह वो अकबर ने इनको रहने का एक स्थान दे दिया और 5000 मनसब यानी 5 गांव का मनसब और 500 घोड़े जो एज ए सेनापति को दिया जाता था उसने सम्मानित किया इनको। और रहने का यहाँ से 300 मीटर दूर पर जो गांव आप देखें, जो रेवेन्यू लैंड है, रिकॉर्ड में दर्ज भी है, कश्मीरी चक, चूँकि ये कश्मीर का शासक था
और चक वंश से इसका ताल्लुक था, है ना, चक डायनेस्टी का था। तो उस जगह का नाम काश्मीरी चक रखा है, वो गांव वहां वजूद आया। लगभग वहां पर उसने अपने ज़िंदगी के 7 साल गुजारे हैं या 6 साल। और सन 1592 में 22 सितंबर 1592 में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में अकबर की सेना के लिए युद्ध करते हुए वहीं इनकी मौत हो गई। उनकी लाश को लाकर उनके बहुत सहयोगी करीबी था मीरा ने सैयद शाह अबुल माली, जिसका भी जिक्र है आईने अकबरी में भी और बहुत सारी किताबों में, उसने उसको यहाँ लाकर, क्योंकि आखिरी समय इसने इसी जगह इसी बिहार के यानी उस समय के बंगाल प्रांत के बिस्मक परगना में गुजारा, तो यहाँ लाकर उसको दफन किया गया, जिसके बगल में उसके बेटे याकूब शाह चक उसकी भी मज़ार है, और हब्बा खातून जो उसकी पत्नी थी बहुत बड़ी कवित्री थी यानी पोइट थी वो भी, तो उनको भी उनके पैर के पास दफन किया गया। फिलहाल बिहार के नालंदा में कश्मीर के आखिरी सुल्तान की कब्र बदहाल अवस्था में है, धरोहर के हिसाब से ही सही, सरकार को इसे बचाने की पहल जरूर करनी चाहिए। नालंदा से रंजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।